तो यहाँ पे हमने हमारी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लिया है और ये टोटली रिस्पॉन्सिव भी है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। तो अब इस वेबसाइट को या फिर इस मन स्टैक प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे होस्टिंग सर्वर पर। तो उसमें बहुत से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, फ्री वाले, पेड वाले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्री टीयर का यूज करेंगे। फ्री टीयर में भी बहुत से ऑप्शंस आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे कि रेंडर, साइक्लिक, वर्सल, नेटलिफाई और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर 4.1 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेंडर का यूज कर लेंगे। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, फ्री में हमारी एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, render.com, और यहाँ पे आप प्राइसिंग भी चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्लान है जिसमें आप फ्री में अपना हॉबी प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट के लिए या फिर कोई बिजनेस के लिए करना है तो फिर आप यहाँ से कोई अदर प्लान भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा होस्टिंग प्लेटफॉर्म भी आप चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर फ्री टीयर का यूज करने वाले हैं, और यहाँ पर इसको यूज करने से पहले आपको क्या करना है, आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय करना पड़ता है गिटहब पर। तो गिटहब के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। सो आपको लॉग इन करना है गिटहब पर, मेक श्योर आप अपनी आईडी से जो है लॉग इन करिए। और लॉग इन करने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। सो इस प्लस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं या फिर इस प्रोफाइल पर भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से भी आपको देखिए रिपोजिटरी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। और उसके बाद में आप यहाँ से न्यू बटन पर क्लिक करके भी न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको उसका नाम देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्शन डैश पोर्टफोलियो मर्न ऐप, या फिर मर्न प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसका नाम दिया। उसके बाद में आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट मर्न पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, ये मैंने यहाँ पर नाम दिया। उसके बाद में आप इसको पब्लिक भी रख सकते हैं, और रीडमी फाइल भी अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ बाई डिफॉल्ट। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एम्प्टी रिपोजिटरी हमारी क्रिएट हो जाएंगी। इसके अंदर हमको क्या करना है, हमारा जो भी कोड है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा कोड है, इसको हमको डिप्लॉय करना है। लेकिन हमारे पास क्या है, रिएक्ट की एप्लीकेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्रेस वर्जन लेंगे, यानी रिएक्ट की एप्लीकेशन को पहले बिल्ड देंगे। बिल्ड देने के बाद उसमें से जो बिल्ड फोल्डर मिलता है उसको डिप्लॉय करेंगे हमारे नोड सर्वर के साथ में, और स्टैटिकली नोड सर्वर की मदद से क्लाइंट यानी रिएक्ट की एप्लीकेशन को हम एक्सेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले शुरू हम क्या करेंगे, रिएक्ट की एप्लीकेशन को बिल्ड दे देंगे। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो भी आपका रनिंग टर्मिनल है ना, यानी जिसमें आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, तो उसको आप जो है थोड़ी देर के लिए टर्मिनेट करिए। उसके बाद में आप क्या करें, न्यू टर्मिनल ओपन करें, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्ट की एप्लीकेशन को बिल्ड दे देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर स्विच होना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड लिखेंगे npm run build कमांड, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। तो यहाँ पे नोटिस करिए, क्लाइंट के अंदर एक बिल्ड का फोल्डर बनना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्ड का फोल्डर बन चुका है, और थोड़ा सा ये बिल्ड प्रोसेस में टाइम लगता है। देख सकते हैं आप हमारा जितना भी कोड रहेगा वो ऑप्टिमाइज वर्जन में अब हमको देखने मिलेगा। 2 से 3 मिनट इसमें लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपके सिस्टम के कॉन्फिग्रेशन के ऊपर। तो वेट करते हैं इसके बिल्ड होने का, और जैसे बिल्ड हो जाएगा ना तो हम क्या करेंगे, इसका जो पाथ है, देखिए यहाँ पर ये बिल्ड हो चुका है, और अगर आप बिल्ड फोल्डर को एक्सपेंड करेंगे तो इसमें काफी सारा जो है हमारा कोड गायब हो चुका है, यानी कि सारा कोड हमारा अब कॉम्प्रेस हो चुका है। स्टैटिक को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो जेएस में देखिए ये जो फाइल्स है ना ये हाईली कॉम्प्रेस वर्जन है। तो यही चीज अब हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे रिपोजिटरी में और एक्सेस करेंगे रेंडर की मदद से। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सर्वर में इसको एक्सेस करेंगे। मैं टर्मिनल क्लोज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। और उसको एक्सेस कैसे करेंगे, सिंपल है, आपको क्या करना है, सबसे पहले पाथ का यूज करना है और उसको इंपोर्ट करिए। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाय डिफॉल्ट नोड के साथ में पाथ आता है। सो यहाँ पे आप क्या करें, पाथ को इंपोर्ट कर लें। इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टैटिक फाइल्स को एक्सेस करेंगे। सो राउट से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट भी बना देता हूँ, स्टैटिक फाइल्स, और एक्सेस कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और इसमें हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी ऐप डॉट यूज, इसमें हम एक्सप्रेस का यूज करेंगे, क्योंकि स्टैटिक फाइल को एक्सेस करने के लिए हमको एक्सप्रेस की फंक्शनैलिटी लगती है। एक्सप्रेस की मदद से हम स्टैटिक फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर API क्रिएट किया था ना, तो ये क्या है, ये भी हमारे राउट्स है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस के अंदर जो है बहुत से और भी मेथड्स आते हैं जिसकी मदद से स्टैटिक फाइल्स, जो भी हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन है उसको एक्सेस करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर स्टैटिक का यूज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाथ का इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि कहाँ से उसको हमको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पाथ डॉट जॉइन, इसके अंदर आपको लिखना पड़ता है डायरेक्टरी नेम कॉमा, फिर उसके बाद में सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में आप उसका पाथ बता सकते हैं।
तो हमारे केस में क्लाइंट, क्लाइंट के अंदर है बिल्ड फोल्डर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डॉट स्लैश क्लाइंट, फिर उसके अंदर हमारे पास है बिल्ड फोल्डर। तो इसमें से हमको स्टैटिक फाइल्स को सर्व करना है। अब कौन सी फाइल को सर्व करना है, जैसे हमारे राउट्स है ना, तो ये हमारे राउट्स हैं, तो इनिशियल राउट्स भी हमको बताना है, यानी इनिशियल टाइम पे हमको ये वाली एप्लीकेशन को रन करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको नीचे जाना है। इस एपीआई राउट के बाद में हम क्या करेंगे, अगेन सारी फाइल्स को गेट करेंगे, एप डॉट गेट। गेट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे स्टार, यानी सब कुछ एक्सेस करना है। उसके बाद में यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आप चाहे तो एरो फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। और ये फंक्शन हमको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिसीव करके देता है, क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स यानी एज अ रिस्पॉन्स में स्टैटिक फाइल्स को एक्सेस करेंगे। कैसे, देखिए रिस्पॉन्स को आपको टारगेट करना है, उसके अंदर हमको जो है सेंड फाइल का ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं आप, आपको सजेशन भी शो करेंगे। सेंड फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, पाथ बता देंगे, तो आप लिखेंगे पाथ डॉट जॉइन, और उसके अंदर फिर डायरेक्टरी नेम, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको पाथ बताना है। तो हमारे केस में डॉट स्लैश क्लाइंट, क्लाइंट के अंदर है बिल्ड, बिल्ड के अंदर हमारे पास है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल, जो कि हमको स्टार्ट में सर्व करना है। अगर आप बिल्ड को फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की हमारी मेन एंट्री पॉइंट फाइल है, तो इसको हम एक्सेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने उसका पाथ बता दिया, सेव कर लेते हैं इसको। तो ऑलमोस्ट हमारी एप्लीकेशन रेडी है डिप्लॉयमेंट के लिए। अब आपको क्या करना है, इसको गिटहब पर अपलोड करना है, उसके बाद में फिर हम रेंडर से इसको कनेक्ट करेंगे। अब गिटहब पर कैसे अपलोड करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने रिपोजिटरी तो उसकी बना दी, अब अगर आपको इसमें फाइल्स को ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं। यानी देखिए यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप जो है HTTPS की मदद से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, CLI की मदद से भी कर सकते हैं, और SSH की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इसमें तो आप जो है डायरेक्टली आप इसको जो है कमांड लाइन की मदद से इम्पोर्ट करिए। मैं यहाँ पर इजी तरीका आपको बताता हूँ GUI की मदद से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है GitHub डेस्कटॉप, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करिए, तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, और आप इसको जो है विंडोज मैक ओएस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करें, सबसे पहले इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको ओपन करके बता देता हूँ, आपको सिर्फ इसमें साइन इन करना है आपके गिटहब अकाउंट से। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ ओपन करके, गिटहब डेस्कटॉप मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं डायरेक्ट ओपन करके बताता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने मिलेगा, लेकिन ये लॉग इन करने के बाद दिखाई देगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम करेंगे ना, तो फिर आपको जो है लॉग इन करना है और उसको ऑथेंटिकेट करना है। तो ऑथेंटिकेशन के बाद में आपके सारे रिपोजिटरीज यहाँ पर शो होंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मैं लिखता हूँ प्रोडक्शन, तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी रिपोजिटरीज है वो यहाँ पर शो होगा। जैसे कि अभी हमने क्रिएट किया, देखिए प्रोडक्शन पोर्टफोलियो 1 प्रोजेक्ट, तो इसको आपको क्या करना है, क्लोन करना है। नीचे वाले बटन पर क्लिक करिए, फिर यहाँ पर क्लोन के लिए पूछता है, और जो भी पाथ है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट रहने दीजिए और क्लोन पर क्लिक कर दीजिए। तब जो भी प्रोजेक्ट के अंदर कोड है, यानी जो रिपोजिटरी है ना अपनी, ये वाली अभी ये एम्प्टी है, तो एम्प्टी रिपोजिटरी का क्लोन हमारे लोकली हमारे सिस्टम में क्रिएट हो जाएगा, देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर शो इन एक्सप्लोरर पर क्लिक करिए, इसके अंदर देखिए डॉट गिट की एक फाइल है, और उसके बाद में रीडमी की एक फाइल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करें, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर कर दें, आपका जो भी प्रोजेक्ट है ना उसको आप ओपन करिए। देखिए इसके अंदर हमारे पास देखिए क्लाइंट है, क्लाइंट के अंदर बिल्ड है, तो यही फोल्डर हमको अपलोड करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए पहले शुरुआत जितना भी सर्वर है उसको कॉपी कर लेंगे हम, कंट्रोल ऑल, उसके बाद में क्लाइंट नहीं चाहिए, नोड मॉड्यूल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, डॉट ईएनवी की फाइल भी आप अपलोड मत करिए, बाकी सब कुछ आपको कॉपी कर लेना है। देखिए क्लाइंट नहीं करना है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स को भी कॉपी नहीं करना है, और डॉट ईएनवी की फाइल को भी कॉपी नहीं करना है। अब दूसरे वाले फोल्डर में आपको जाना है, यानी जो आपने क्लोन किया है ना प्रोडक्शन पोर्टफोलियो 1 प्रोजेक्ट, मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए यहाँ से हमने कॉपी किया और उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पेस्ट कर दिया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लाइंट का फोल्डर बना देंगे, क्लाइंट, क्लाइंट के नाम से हमने इसमें फोल्डर बना दिया। अब इस क्लाइंट में से हम क्या करेंगे, ये बिल्ड फोल्डर को ही कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप क्या करें, वापस से इसको ओपन करें और यहाँ पर इस क्लाइंट फोल्डर को ओपन करें और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सारा कोड हमारा अब जो है लोकल रिपोजिटरी में ऐड हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे एक्चुअल रिपोजिटरी में पुश करा सकते हैं। कैसे, वापस गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन को ओपन करिए, तो देखिए यहाँ पर फाइल्स जो है शो करेगा, यहाँ पर प्लस जितना भी आ रहा है ना, मतलब ये सारे फाइल्स जो है ऐड होने वाले हैं, माइनस रहेगा यानी रिमूव होगा। अब यहाँ पे आप कोई भी एक कमेंट ऐड कर सकते हैं, तो कमिट मैसेज आप कुछ भी लिखिए, जैसे कि प्रोडक्शन ऐप, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देता हूँ, मॉन्टैक पोर्टफोलियो प्रोडक्शन ऐप 2023।
और यहाँ पर कमिट टू मेन कर दूंगा, और जैसे कमिट टू मेन करेंगे तो यहाँ पर ये कमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको पुश करना है, यानी ये कोड को जो है अपने गिटहब पर आपको भेजना है। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर पुश ओरिजिन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए तो सारा का सारा कोड जो है रिपोजिटरी में पुश होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर शो भी करता है और सक्सेसफुली हमारा कोड यहाँ पर पुश हो चुका है। अब हम इसको चेक कर सकते हैं, देखिए ये रही हमारी रिपोजिटरी। अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पर सारा का सारा कोड हमको मिल जाएगा, क्लाइंट फोल्डर, कंट्रोलर्स, राउट, रीडमी, पैकेज जेसन और सर्वर डॉट जेएस की हमारी मेन फाइल। तो सक्सेसफुली हमने हमारा प्रोजेक्ट जो है गिटहब पर डिप्लॉय कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रेंडर की मदद से इसको एक्सेस करेंगे। तो आपको जाना है रेंडर पर और यहाँ से आप जस्ट साइन इन कर लीजिए, और इसमें आप जो है डायरेक्टली गिटहब से भी कर सकते हैं। तो गिटहब पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली आप साइन इन हो जाएंगे। जैसे आप साइन इन होंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने मिलेगा, और मेरे पास ऑलरेडी दो एप्लीकेशन है इस पर, आपके केस में नहीं होगा तो कुछ भी यहाँ पर शो नहीं करेगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वेब सर्विस। वेब सर्विस के बाद में देखिए यहाँ पर आपके सारे रिपोजिटरीज शो करेगा, जैसे कि हमारे केस में प्रोडक्शन पोर्टफोलियो मर्न प्रोजेक्ट। तो इसको आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट जैसे करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका नाम देना है, जैसे कि हम लिख सकते हैं मर्न पोर्टफोलियो ऐप, ओरिजिन आप एज इट इज रखिए, ब्रांच हमारी मेन है। उसके बाद में रूट डायरेक्टरी में डॉट लगा दें, उसके बाद में फिर यहाँ पर नोड है और यहाँ पर हमारा जो कमांड है npm इंस्टॉल कमांड, जो कि हमारे बिल्ड के लिए यूज होंगी, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। उसके बाद में स्टार्ट कमांड आपको लिखना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे npm स्टार्ट कमांड, जिसकी मदद से हम हमारी एप्लीकेशन को रन करा देंगे, या फिर इसके बदले आप जो है नोड सर्वर भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे npm स्टार्ट चेक कर लेंगे, अगर इसकी मदद से रन हो गया तो ठीक, वरना फिर इसको चेंज कर देंगे। अब नीचे स्क्रॉल करिए, फ्री टेयर आप सेलेक्ट करें, उसके बाद में और स्क्रॉल करिए, उसके बाद में एडवांस का भी ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे वेब सर्विस को, तो यहाँ पर आप क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस में टाइम लेगा और आपके प्रोजेक्ट जो है डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप इन प्रोग्रेस। तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। और साथ ही में आपको देखिए टर्मिनल में सारी चीजें देखने मिल जाती है कि ये बिल्ड हुआ है या नहीं हुआ है, क्या इसमें इशू या फिर एरर आपको देखने मिल रहा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगी। देखिए अभी हमारी डिपेंडेंसीज यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, यानी बिल्ड कमांड हमारी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद में यहाँ पर अपलोडिंग बिल्ड का ऑप्शन आ रहा है और ये सक्सेस हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली ये बिल्ड भी हो चुका है, अब डिप्लॉय हो रहा है। तो वेट करते हैं इसके डिप्लॉय होने के लिए, और सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन जो है डिप्लॉय हो चुका है, और ये थोड़ा सा ऊपर भी चला गया और यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पास देखिए एप्लीकेशन का जो है URL आ चुका है, अब इसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को भी इसमें ऐड कर देंगे। तो आप क्या करें यहाँ पर इन्वायरमेंट पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एड इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे केस में देखिए .env की फाइल है और इसमें आपके जो भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं आपको इसको ऐड करना है, जैसे कि हमारे केस में है पोर्ट, तो पोर्ट में कॉपी करता हूँ, यहाँ पर हम पोर्ट ऐड कर देंगे, उसके बाद में वापस से कॉपी करेंगे और जो पोर्ट नंबर है उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद में आपको जो है अगेन एक और इन्वायरमेंटल वेरिएबल ऐड करना है, तो आप लिखेंगे एट इन्वायरमेंटल वेरिएबल और यहाँ पे हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन है सैंडग्रिड का, सो यहाँ से आप इसको कॉपी करिए, कॉपी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे उसी तरीके से जो भी की है उसकी, तो आप यहाँ से कॉपी करिए, मेक श्योर आप अपना की कॉपी करिए, कॉपी। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे और उसके बाद में एड इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, और ये एक्स्ट्रा हो गया ना इसको डिलीट कर देंगे, और सेव चेंजेस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे ना, और उसके बाद में इवेंट्स में जाइए, तो देखिए यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है रीडिप्लॉय हो जाएंगी, देख सकते हैं आप, इसमें हमको मैसेज भी मिल गया इन्वायरमेंट्स अपडेटेड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे कि एप्लीकेशन हमारी सही से काम करती है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये जो URL है इसको न्यू टैब में मैं ओपन करता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो रही है। और यहाँ पर नीचे स्क्रोल करिए, देखिए सारे इफेक्ट्स भी बराबर से काम कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, परफेक्टली हमारी एप्लीकेशन जो है होस्टिंग सर्वर पर डिप्लॉय हो चुकी है और लाइट और डार्क थीम भी सक्सेसफुली अप्लाई हो रही है।
और आप इसका यूआरएल भी चेक कर सकते हैं। ये अभी क्लाउड सर्वर पे यानी होस्टिंग सर्वर पर हमने इसको अपलोड कर दिया। तो सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई। अगर आपको इसका जो फॉर्म टेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू या फिर एम्प्टी करके देख लेते हैं। सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए टोस्ट नोटिफिकेशन भी सही से काम कर रहा है। इसके बाद में अगर आप कोई भी इसमें नेम ईमेल ऐड करेंगे, जैसे कि मैं सेम नाम ऐड करता हूँ टेक इनफो YT, फिर ईमेल एड्रेस में THT कर देता हूँ, मैं रैंडम में ऐड कर रहा हूँ, और मैसेज में कुछ भी डमी ऐड कर देता हूँ और सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए योर मैसेज सेंड सक्सेसफुली। अब आप इसको ईमेल में भी चेक कर सकते हैं कि आपको सही में इसका मैसेज मिला है या नहीं। तो बस यही था इस प्रोजेक्ट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी कुछ हमने इसमें देखा और एक कंप्लीट फुल स्टैक प्रोजेक्ट हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम कोई और प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे।